नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे वर्ष 2022 जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अगर परेशान चल रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अगर कुछ समस्याएं दिख रही हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, चिकित्सा करवाएं। अगर बात करें धनु राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए, तो विद्या अर्जन की ओर इनका झुकाव रहता है और इनको वहां पर सफलता मिलेगी। यह स्थिति कुल मिलाकर इनके लिए अच्छी है और यथावत अच्छी बनी रहेगी। अतः कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें और मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ें, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए धनु राशि वालों के कर्म क्षेत्र के बारे में, तो प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, अर्थात जो जॉब में हैं, खासकर अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर प्रमोशंस के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं और इसका लाभ आपको इमीडिएटली दिखेगा। और अगर प्राइवेट से जुड़े हुए हैं या फिर निजी व्यवसाय से, तो वहां पर भी लाभ के चांसेस बन रहे हैं, वहां पर भी आपको फायदा पहुंचेगा। परंतु हाँ, धनु राशि वालों की एक नैसर्गिक कमजोरी होती है, बहुत जल्दी ये लोग दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। इस चीज को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाएं, यकीन कीजिए लोगों पर, परंतु उनकी परख करने के उपरांत ही, है ना। अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए कि आर्थिक स्थिति कैसी बनी रहेगी, तो फाइनेंशियल स्टेट जो है उनके लिए कुल मिलाकर मिश्रित फल लेकर के आएगा। अर्थात चूंकि मैंने जैसा कहा कि ये लोग बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेते हैं, तो कुछ जगहों पर इनको धोखा हो सकता है। अतः अगर इस सावधानी को मेंटेन रखें, यानी सावधानी बनाए रखें, तो फिर फाइनेंशियल जगह पर इनको असुविधाएं नहीं होगी। परंतु ग्रहों के संकेत यह दर्शा रहे हैं कि फाइनेंशियल जगह मिश्रित फल लेकर के आ रहा है, यानी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति जून के महीने में आप लोगों की बनी रहेगी। अगर बात करें लव अफेयर्स की, प्रेम प्रसंग की, तो धनु राशि वाले जो हैं, प्रेम प्रसंग के लिए आपके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि धनु राशि वाले जानते हैं प्रेम प्रसंग में क्या करना चाहिए, किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु आपका क्रोध आपको परेशानियों में डालता है। आपका ईगो कभी कभी आपके प्रेम में आड़े हाथों आ जाता है और आप इस कमजोरी को जानते भी हैं खुद। अतः आपसे यही कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि प्रेम प्रसंग का मसला ऐसा है भी कि ये तो दूसरों पर भी डिपेंड करता है ना। तो बस आपको थोड़ा सा सामंजस्य की स्थिति जो है, यानी थोड़ा सा बैलेंस को बनाए रखना पड़ेगा। तो अगर सामंजस्य बना सकते हैं, तो फिर प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और शुभ कलर यानी लकी कलर आपके लिए क्या है, तो धनु राशि वाले बिल्कुल उसे नोट कर लें। धनु राशि वालों के लिए लकी कलर है ऑरेंज एंड रेड। इन दो रंग के परिधान यानी वस्त्रों का प्रयोग करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।